जदों भी साढ़े शरीर के विच कोई दुख तकलीफ आती है अकाल पुरख सानू अलार्म देंदा वो साड़ी मर्जी आ अनसुनिया कर दें क्योंकि असं बिजी बहुत असी अनदेखी कर दी उहदी वो वध के बड़ी छेती दे नाल बिगड़ गया फिर वो बीमारी बन गया। जदों साडा ब्लड प्रैशर घटदा है तो लगातार घटदा रहिंदा है उस वेले ये अलार्म आ रहे ने इंडीकेशनस आ रही ने अकाल पुरख ने छड़ दिते इंडीकेशनस कि हे मनुख संभल जा कुछ गड़बड़ होने वाला ही। इस वेले बहुत सारिया बीमारियां सानू सिर तो उतर रही हैं दिमागी कारणा करके। जदों तुहाडा तालू सुकदा है जदों तुहानू धड़कन तेज़ हो जाती है पिन्नियां जिहड़ियां फुल जांदियां ने साह चढ़दा है हो सकता है कि तुहाडा थायराइड ग्लैंड है जिहड़ा उह पीड़त है। असीं वीकेंड नू वीकेंड ही नहीं समझते असीं कितें हस के ही नहीं वेखे असीं किस समाज तो आए हैं। परिवारक मैंबर डॉक्टर साहब याद करन भी आखिरी वारी अजिहा हासा कदों हसे सन ते शायद पता लगे टिड्डी पीड़ां वाला हासा। इंट्रोस्पेक्शन करो आत्म चिंतन करो कदों हसे सा। प्राइम एशिया टीवी ते तुहाडा सारयां दा बहुत स्वागत। मैं जोगराज सिंह कालों प्राइम हैल्थ प्रोग्राम लैके एक बार फिर तो थोड़े नाल हाज़र हाँ। तो अज साडे नाल प्रोग्राम दे विच डॉक्टर अरिदमन सिंह माहल फिर तो जुड़े ने। थोड़ा चिर वक्फे तो बाद एक बार फिर तो थोड़े वास्ते दोबारा प्रोग्राम असी लगातार लैके हुण हाज़र होवांगे। तो डॉक्टर साहब अज स्टूडियो विच ने पहला उन्हां दा स्वागत करदे हां। तो अज बहुत इंपॉर्टेंट इशू आ जिहड़ा मोस्टली सानू हर एक नूं ही इफेक्ट करूगा उहदे बाबत गल करदे आ। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी, जीआं नूं बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच, गुड टू हैव यू बैक डॉक्टर साहब इन स्टूडियो। इट्स माय प्लेजर टू, मैनूं भी खुशी हो रही है। जी आयां नूं सर बहुत निघी जी आयां नूं तुहानूं। ते डॉक्टर साहब जिहड़ा टॉपिक आ असल च टॉपिक नहीं आ इह इक मुद्दा है, मुद्दा इस ढंग तरीके नाल कि साडी लापरवाही दा मुद्दा, लापरवाही दे नाल जुड़िया मुद्दा है कि बहुत बारी इदा सुन दे विच आया होना हर एक परिवारक मैंबर इहदे नाल रिलेट कर पाऊगा साडा कि बई आ फलानी बीमारी सी पर पता उदों लगा जदों नुकसान बहुत हो चुकिया। वो चाहे कैंसर नाल रिलेटड हो सकती है, चाहे शूगर नाल रिलेटड हो सकती है, वो साडी हार्ट दे नाल हार्ट अटैक जिहनूं असीं कह दिंदे उदों पता लगदा जदों इक वारी, पर साडी बॉडी सानूं कई वारी सिमटम्स दिंदी आ, उहनां सिमटम्स नूं किवें पछाणना आ। जिवें असी प्रोग्राम तो पहला तैयारी वास्ते तुहाडे को मैं जानदा सीगा कि हर एक बीमारी पहला सिमटम्स देंदी है पर सानू पता नहीं लगता, उह सानू दसो जी हुंदे की ने सिमटम्स ते आम बंदा किवें समझ सके। तुसी मैडिकल लाइन नाल रिलेटेड हो तुहानू ज़्यादा जल्दी पता लगता होगा, आम बंदा किदां सिमटम्स नू समझ सके ते उहदा प्रॉपर समें नाल इलाज करवा सके। बहुत खूबसूरत टॉपिक है और जिहड़ा तुसी सवाल किया है उस तो पहला मैं थोड़ी जी जानकारी थोड़े नाल सांझी कर दिया कि वॉट एग्जैक्टली इज ह्यूमन बॉडी। मनुखा शरीर का तो सानू पता होना चाहिए है कि फिर इनू केड़ा दोष आउंदा है, केड़ा दुख है, केड़ा तकलीफ है, केड़ी एग्नी है, केड़ी बीमारी है, उस तो बाद दी गल है। तो ह्यूमन बॉडी इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोलॉजिकल एंटिटी, इस सेल्फ संचालित है, आप ही चलाउंदा है दिल, कोई बाहरों नहीं इहनूं चलाउंदा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है ते सारी साडी बायोलॉजी सारा साडा शरीर उहदे सिस्टम उहदे ऑर्गन उहदे टिश्यूज उहदे सैल चलते हैं। ये अकाल पुरख का बनाया होया अजूबा है, इनू समझना बहुत जरूरी है। इनू जे असी चार कंस्टिट्यूएंट्स दे विच वंड दईए, आत्मा मन दिमाग ते शरीर, दो मैटाफिजिकल ने दो फिजिकल ने। मैटाफिजिकल दा मतलब स्पिरिचुअलिटी नाल जोड़ दे हो, अध्यात्म नाल जोड़ दे हो, मैटाफिजिक्स जिन्हां दी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन एग्जिस्टेंस है। दिमाग ते शरीर जिहड़े आ ये सारी दुनिया के उत्ते डॉक्टर
स्पैशलिस्ट सुपर स्पैशलिस्ट गुणी हकीम सियाने वैद सारे दे ते काम कर रहे लेकिन इन चारां दी जिहड़ी सिंक्रोनाइजेशन है इन्हां दी जिहड़ी हारमोनी है इन्हां दी जिहड़ी एक सुरता है जदों ये मिलके सारे हारमोनी च कम करदे आ ते साडा शरीर तंदुरुस्त हुंदा है और किसी भी बीमारी दे नेड़े तेड़े नहीं आउंदा। दैट्स कॉल्ड वेल बीइंग कल्याणकारी कल्याणकारी या वेल बीइंग या हेल्थ की है। दिस इज नॉट मीरली एन एबसेंस ऑफ डिजीज बीमारी नहीं है तो इनू तुसी हेल्थ कह दियो ये अधूरी गल है। इहदा मतलब ये आ कि वेल बीइंग एबसेंस ऑफ डिजीज कली नहीं दी वेल बीइंग की एक कल्याणकारी है। अगर ये कल्याणकारी आ सारे दे सारे कंस्टिट्यूएंट एक दूसरे नू सपोर्ट करके जी रहे ने तो फिर 100 साल जियो बिना दवाई तो बिना डॉक्टर दे। सो अगर सानू एदी खुराक ठीक मिलती रवे आत्मा दी मन दी दिमाग दी शरीर दी तो फिर ये प्रसन्न रहिंदा है फिर ये खुश रहिंदा है फिर ये तृप्त रहिंदा है फिर खुशी आ हासा आ खेड़ा आ ठट्ठा आ मजाक है। ये सारिया दियाँ सारिया चीज़ा साड़ी रूह तो लैके मन तो लैके दिमाग तो लैके शरीर तक दी खुराक है तो असी इसी चीज़ का तो प्रचार प्रसार करते हैं। लेट फूड बी योर मेडिसन। मेडिसन कली गोली कैप्सूल सिर्फ टीका नहीं होंगे बल्कि ब्रॉडर सेंस दे विच मेडिसन जेड़ी आ दिस इज अ हारमोनी दिस गिव्स यू द प्लेयर। लेट फूड बी योर मेडिसन लाफ्टर इज मेडिसन। ए मेडिसन एक हीलिंग प्रोग्राम है वो हीलिंग तो आए चाहे तुहानू घुट के होवे चाहे फूक मार के होवे चाहे खाना खा के होवे चाहे किसी भी तरीके दे नाल होवे जदों तुहाडी सेहत तंदुरुस्त है वेलबीइंग दे रही है तो वह मेडिसन है। जदों असीं ड्रग दिंदे आ तो ड्रग का मतलब है दैट टेक्स ओवर द कंट्रोल ऑफ योर बॉडी तुहाडे शरीर का संचालन अपने हाथ च लै लैंदी है। दो दिन तीन दिन पांच दिन दस दिन तो बाद वो सारे का सारा जदों वापस जाता फिर मेडिसन आ जाती। प्रिवेंटिव इज ए मेडिसन एंड रिहैबिलिटेशन इज ए मेडिसन। विचला जड़ा आ क्योर वाला उस वेले ड्रग अपने हाथ च लै लैंदी है उहदी वापसी ते ओ होलिस्टिक हीलिंग इज ए मेडिसन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिसन एंड ड्रग। विशा अज का जोड़ा तुम चुनिया ये बहुत महत्व योग है कि साढ़े शरीर में बहुत सारे दुख तकलीफा एगनीस बीमारियां ने घेरिया। अकाल पुरख की चीज़ है जो ब्रह्मंड है सो ही पिंड है। उस ब्रह्मंड का इस पिंड के उत्ते पूरा कंट्रोल है। जदों भी इनू कुछ वापरदा है तो एक घंटी खड़कती है एक अलार्म आता है एक वार्निंग आती है बी वेयर ऑफ। वो साड़ी मर्जी आ अनसुनिया कर देने क्योंकि असी बिजी बहुत असी अपनियां जिम्मेवारियां का निर्वाह करन वास्ते असी पैसा कमाउण वास्ते असी जिम्मेवारियां का निर्वाह करन दे लई असी उत्तर संभाल लैने अज कर लाँगे कल करांगे तीन दिन आपां पहली तरीक तो कर लाँगे अखंड पाठ करा लीए विआह होना है उस तो बाद आपां ये कर लाँगे। वो अलार्म सानू आया सी असी अनदेखी कर दिती उहदी वो वध के बड़ी छेती दे नाल विगड़ गया फिर वो बीमारी बन गया जड़ा साढ़े हाथ तो बाहर चली गई। गल जदों अलार्म आउंदा उदों साढ़े हाथ च सी जदों कुछ दिन विच पै गए कुछ महीने पै गए तो फिर वो साढ़े हथों बाहर चली गई फिर बीमारी का खिताब मिल गया। सो जदों भी साढ़े शरीर दे विच कोई दुख तकलीफ आउंदी है
अकाल पुरख सानू अलार्म देंदा है। छोटी जी गल है, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। जदों साडा ब्लड प्रेशर घटदा है ते जेकर लगातार घटिया रहिंदा है, ब्लड प्रेशर ते घटदा वधदा रहिंदा है, लेकिन वो 80 120 180 दे आसपास रहे ते ठीक है, इट्स ऑल राइट, फ्लक्चुएट करता रहिंदा है। जदों ये लगातार घटिया रहिंदा है, घटदा है ते लगातार घटदा रहिंदा है, उस वेले ये अलार्म आ रहे ने, इंडीकेशनस आ रही ने, अकाल पुरख ने छड़ दिते इंडीकेशनस कि हे मनुख, मन उख, मन संभल जा, कुछ गड़बड़ होने वाला ही, तेरे अंदर गलत चल रहा काम। वो हाइपोटेंशन दे विच की हुंदा, अलार्म की है, हाथ ते पैर ठंडे रहेंगे, हमेशा नींद आउण नूं करेगी, रात नूं ते आउणी आउणी है, दिने भी सुत्ता रहां, दलिद्दर है, कम करन नूं दिल नहीं करदा, छुट्टी कर लैंदे आ फिर करांगे, और सिर दे विच डूंगी जी हेठां तक दर्द हुंदी है, सिर भारा रहिंदा है, अखां अद्धियां बंद अद्धियां खुल्लियां रहिंदियां, सुस्ती दलिद्दर। इहदा मतलब है गो टू द डॉक्टर, गैट इट चैक्ड, ब्लड प्रैशर तुहाडा घटिया जे ते लगातार घटिया रह रहा है, हाथ पैर ठंडे होने, नींद आउण दी करनी, सुस्ती पैनी, कम करन नूं दलिद्दर पै जाना, ब्लड प्रैशर घट है ते घटिया ही रह रहा है, उस वेले सानू इहदे घरेलू प्रबंध करने पैणगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चाहे थोड़ा होमोग्लोबिन घटिया होया, थोड़ी खुराक कमजोर है, चाहे किते थोड़ा जा डिप्रेसिंग मूड चो, उदासी च चल रहे हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर दे रीजन ने जिहड़े वो दो ने, साइकोसोमैटिक, साइकिक रीजनस भी ने, सोमैटिक रीजनस भी ने। जो स्ट्रेस स्ट्रेन रहेगा, उदासी होएगी, ब्लड प्रेशर घट जाएगा, घटिया रहेगा। इस तरीके दे नाल जे होमोग्लोबिन तुहाडा खून पतला है, खून पूरा नहीं है, या किते दिल दी कमजोरी है, प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा, तो ब्लड प्रेशर घटिया तो घटिया ही रहिंदा है, उस वेले मन लो किते गड़बड़ है, वो साइकिक भी हो सकती, सोमैटिक भी हो सकती। सो ये अलामतां आउणगियां तां डॉक्टर कोल जाके सानू चेकअप करा लेना चाहीदा है, और घटे हुए ब्लड प्रेशर दे पिछे जिहड़े लुके हुए कारण ने वो आइडेंटिफाई करके उहदा प्रबंध करना चाहीदा। इसे तरीके दे नाल वध्या होया ब्लड प्रेशर, वधे हुए ब्लड प्रेशर दे विच तुहाडियां पुड़पुड़ियां दुखदियां, सिर टस टस करदा, थ्रोम्बिंग पेन, ਧੌਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਿੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਆ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ये बड़िया प्रोमीनेंट ने, खास करके सिर दर्द और थ्रोम्बिंग और धौण गिच्ची का खिचे होना, रात नूं नींद ना आनी, जे नींद आ गई दोबारा उठ के फिर नींद नहीं आनी, ये थानू अलार्म आया, इंडीकेशन उत्तों आ गई है, बी वेयर ऑफ, किते ना किते गड़बड़ है। हार्ट नूं और अपनी कमिस्ट्री नूं और अपनी मानसिकता के उत्ते ध्यान उत्तेजित करो, किते एंगजाइटी तो नहीं है, एंगजाइटी जिहड़ी आ उत्तेजना, इहदा रूट कॉज हैगा डर, वहम, भउ, वह कितने उत्तेजना तो नहीं है, एक पासे डिप्रैशन है, एक पासे उत्तेजना है, एक पासे एंगजाइटी है, दूसरे पासे डिप्रैशन है, जो एंगजाइटी स्लो डाउन करना, डिप्रैशन नूं एलीवेट करना, अंडरस्टैंड करना पएगा। सो ये अलामतां सानू ये दसदियां ने, किसी वेले चक्कर भी आएगा, हाई ब्लड प्रेशर की गल कर रहे हैं, तुरंत अगे चक्कर आ गया, अगला डिग पे, एक्सट्रीम जो होया, जो नेरनी जी कही, नेरनी, नेरनी का मतलब देसी फोक लैंग्वेज कि अखा अगे नेरा आ जाता, तो नेरा आके तुम डिग पैंते, इनू नेरनी कहें,
तो ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, लेकिन ये रह पिछे गया, असि ये सब कुछ डिसऑन कर रहे हैं। ये भी सानू नाल कैरी करने की जरूरत है कि नेरनी की होंगी है। खूबसूरत गल की तुसी। सो जो नेरनी आती है कितने वेले चक्कर भी आता है, गिची थोड़े को खिचा आया, रात को नींद नहीं आती, तो फिर चेक करवा लो कि ना कि गड़बड़ है। वह हो सकता गड़बड़ दे रीजन साइकिक हो या सोमैटिक हो। जो सोमैटिक हो तो लिपिड प्रोफाइल तुहाडा ब्लड सीरम कोलेस्ट्रोल लैवल वध्या होएगा, गुड कोलेस्ट्रोल घटिया होएगा, बैड कोलेस्ट्रोल वध्या होएगा, ट्राइग्लिसराइड्स भयानक अवस्था, ये चेक करना जरूरी है, ये डॉक्टर ने देखना। लेकिन अगर है तुहानू अलार्म आ गया तो एक बार उन्हें फड़ लो इनिशियल इत्थे, जे ये सारा कुछ ठीक है तो फिर साइकिक रीजनस ने, दिमागी कारण ने। इस वेले बहुत सारिया बीमारियां सानू सिर तो उतर रही हैं दिमागी कारण करके, स्ट्रेस स्ट्रेन एंगजाइटी फीयर फोबिया डिप्रेशन, खिचा आया, तनाव आया, दबाव आ, उत्तेजना है, उदासी है, उदासीनता है, ये सारा कुछ सानू बंडल ऑफ ट्रबल्स बंडल ऑफ डिजीजेस साडे सिर तो हेठां नू लेके आ रहा है। डॉक्टर साहब जिदा कि बहुत बड़िया ते भयानक बीमारियां ने जिन्हां दे इलाज वास्ते असीं देखी सुनी दा भी बहुत बड़े हथ पैर मारने पैंदे, महंगे भी हुंदे ने, कैंसर उन्हां चों इक आ, डायबिटीज़ बहुत लंबी चौड़ी चलती है, थायरॉयड इहदा इक आपो अपने नुकसान बहुत बड़े बड़े लैवल ते हुंदे, कि अजिहियां बीमारियां दे भी सिम्पटम्स बॉडी नूं पहिलां मिलदे बंदे नूं पता किद्दां चल सकदा? हर वड्डी और छोटी दुख तकलीफ एग्नी बीमारी दीआं अलामतां साडे कोल आउंदीआं ने। ब्लड प्रैशर तों बाद लैट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ थायरॉयड। थायरॉयड ग्लैंड आ वो शुरू चा उथल पुथल करता है, कभी वधाउंदा कभी घटाउंदा, डॉक्टर कोल जाने दिस दैट क्योंकि तुसी एग्जामिन कर रहे हो T3 T4 TSH। शुरू च जदों उन्हें सीज होना बंद होना है तो वह भुड़कदा बहुत है, कभी उपर लेके जाता कभी थले लेके जाता, साल छे महीने से डॉक्टर नूं डोज सैट करदिआं ही टाइम लग जाता है। लेकिन उस तो पहला जदों अजे थायरॉयड दा तुहानूं पता ही नहीं सी तो तुहानूं की अलामतां आउंदियां, ये अलामत आदि दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ठप 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 ठप, पिनिया गोडिया तो हेठां दे मोटे मसल है जड़े कैस्ट्रोनीमियस जिन्होंने इस कहें, ये फुल जाते हैं, भार ही नहीं चुकते, तुरै ही नहीं जाता, फुल जाते हैं, धड़कन तेज हो जाती है, यस किसी वेले चक्कर भी आता है। जदों तुहाडा तालू सुकदा है, जदों तुहानू धड़कन तेज हो जाती है, जदों पिनिया जड़िया फुल जांदियां ने सह चढ़दा है, उस वेले ये बनता है कि एक बारी डॉक्टर के नाल डिस्कस कर लो और ये बनते टेस्ट ने जोड़े कर लो, वो हो सकता है कि तुहाडा थायरॉयड ग्लैंड है जोड़ा वह पीड़ित है। उस तो बाद बनते पलपंध जोड़े करने बनने हैं, क्योंकि अज का साडा विशा अलामतों बारे है जी। सो इस तरीके दे नाल जे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटॉयड आर्थराइटिस जिन्हों गठिया कह देंगे या गंठिया कह देंगे, ये एक यहोजी भयानक बीमारी आ जिदा अजे भी पछम तो मैनेज नहीं हो पा रहा। इनू मैनेज किवें करना? जदों गंठिया हुंदा की है, सब तो पहला हत्थां दियां उंगलां दे छोटे जोड़ गुटकोणियां मोढ़े इन्हां दे विच सूजन आ जाती है, इन्हां दे विच दर्द हुंदी है। उस वेले मन लो चाहे तुहाडा आरए फैक्टर नैगेटिव आ रहा ठीक कर रहा, लेकिन अलामतां आउणियां शुरू हो गई, शरीर दे विच सूजन आ गई, तो सब तो पहला अपीयर हुंदी है छोटे जोड़ां दे विच। तो छोटे जोड़ां दे विच जदों सूजन आ गई, दर्द आ गई, तो उस वेले ये मन के चलो, खास करके जो सवेरे सुते उठते हो ना मुठ्ठी बंद होंगी ना खुलती है, अकड़ा या नपीड़िया जाता बंदा, तो चाह का कप लेंदे हो, बाथ लेंदे हो, फिर शरीर थोड़ा बहुत तुरद। अगर ये अलामतं थोड़े को आ गई तो यह मन लो कि तुसी सूजन की बीमारी वालू जिथे कित आइटस आएगा अंग्रेजी का लफ्स, वो सारा का सारा सूजन वालू लैके जाता है रूमेटॉयड आर्थराइटिस। रूमे जड़ा आ ये फ्रेंच का लफ्ज़ है, यदा मतलब हुंदा ठंड ते ठंडीर,
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਅਤੇ ਠੰਡੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਮਟਮਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਤਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਅਤੇ ਠੰਡੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿਊਮਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਠੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਰੂਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਆ। ਰੂਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਠੰਡੀਰ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਆਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋੜ। ਆਈਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂਜਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਖੂਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਪੀਅਰ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਠੰਡੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ। ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਜਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਮਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡੁੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਡੇ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਜਨ ਆ ਗਈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਪੀੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵ ਵੀ ਆ, ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਵੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਮਟਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਈਕੋਸਮੈਟਿਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਆ, ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ, ਹਾਸਾ ਆ, ਖੇੜਾ ਆ, ਠੱਠਾ ਆ, ਵੀਕਐਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਹਾਸਾ ਖੇੜਾ, ਮਜ਼ਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਔਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਕ ਆਫ ਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕੋਲੈਪਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਂਟੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਖੇੜਾ ਠੱਡਾ, ਉਹ ਠੱਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਢਿੱਡੀ ਪੀਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਸਾ, ਉਹ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਮਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਕਦੋਂ ਹੱਸੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਸਾ। ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਕਦੋਂ ਹੱਸੇ ਸਾਂ? ਅੱਜ ਹਾਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਐਂ ਬਰਾਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੈਸ ਲਾਫਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਸਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਦੌਣ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾ 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 ਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹਾਸਾ। ਉਹ ਹਾ 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 ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹਾਸਾ। ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਫੇਕ ਸਮਾਈਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।